दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया दोस्त ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जब अल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। तो देखिए दोस्त ऑक्सीडेशन दो प्रकार का होता है। ऑक्सीडेशन कराने वाला हमारे पास जो एजेंट है उस एजेंट का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोस्त दो प्रकार का होता है। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दो कंपोनेंट है। एक है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो प्रकार का, एक है हमारा मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो देखिए दोस्त एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद को रिड्यूस करता हो वह हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। सबसे पहले हम दोस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा दोस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा दोस्त K2Cr2O7/H2SO4। तो K2Cr2O7 को दोस्त प्यास से पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, पोटेशियम डाई क्रोमेट। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा दोस्त KMnO4/H2SO4। तो KMnO4 का नाम है दोस्त पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। तो ये हमारा दोस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त पॉइंट नंबर 3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये भी हमारा दोस्त मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए दोस्त कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जहां पर एसिड का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम है तो उसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है दोस्त क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4। इसको प्यार से जोन्स रिएजेंट कहते हैं, जोन्स
रिएजेंट। देखिए दोस्त, ये हमारे क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और H2SO4 को प्यार से जोन्स रिएजेंट कहते हैं, और जोन अब बनेगा डोन। तो देखिए दोस्त, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा चार प्रकार का, एक हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड है, तीसरा हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, चौथा हमारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी को प्यार से जोन्स रिएजेंट कहते हैं। हेलो दोस्त, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा दो सिंगल स्टेप रिएक्शन शो करता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा टू स्टेप रिएक्शन शो करता है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है हमारा दोस्त PCC। तो पी से पायरीडाइनियम हो गया, पायरीडाइनियम, और सी से क्लोरो हो गया, और ये सी से क्रोमेट हो गया। तो पायरीडाइनियम का फॉर्मूला हो गया तो C5H5N, क्लोरो का मतलब HCl हो गया, और क्रोमेट का मतलब CrO3 हो गया। तो PCC का पूरा नाम पायरीडाइनियम क्लोरो क्रोमेट होता है। तो पायरीडाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को ही प्यार से PCC कहते हैं। तो PCC हमारा दोस्त कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये भी हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अनहाइड्रस का मतलब हो गया दोस्त अब्सेंस ऑफ वाटर, जब वाटर की कमी हो तो उसको अनहाइड्रस कंडीशन कहते हैं। तो ये भी हमारा दोस्त सिंगल स्टेप रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टोलेंस रिएजेंट बोला जाता है। तो टोलेंस रिएजेंट हमारा दोस्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का घोल है। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को एक साथ टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा दोस्त हैलिंग रिएजेंट। हैलिंग रिएजेंट भी हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या भी दोस्त सिंगल स्टेप रिएक्शन शो करेगा। अब हैलिंग रिएजेंट दोस्त दो प्रकार का है, एक है हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरा है हमारा दोस्त अल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टर एट। अल्कालाइन का मतलब क्षारीय हो गया, तो एक्वस कॉपर सल्फेट से Cu2+ लेंगे और अल्कालाइन से OH- लेंगे, तो Cu2+ और OH- को प्यार से फैलिंग रिएजेंट बोला जाता है।
हम लोग दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने का ट्रिक पढ़ेंगे। तो ये हमारा दोस्त ट्रिक। सबसे पहले हम लोग दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी सेम नंबर ऑफ कार्बन में, कार्बन की संख्या बराबर होता है किसके तुलना में, 1 डिग्री अल्कोहल की तुलना में। तो देखिए दोस्त, यहां पर यूज होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो होने वाला रिएक्शन 2 स्टेप होगा, और अगर हमारे पास कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो होने वाला रिएक्शन सिंगल स्टेप होगा। तो उस समय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के समय 1 डिग्री अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनेगा। और दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, और जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कीटोन के ऑक्सीडेशन से दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वन लेस नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या से एक कम का कार्बन बनता है, अल्कोहल की तुलना में एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखिए दोस्त, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो 2 स्टेप रिएक्शन शो करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, लेकिन अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन शो करेगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनता है, लेकिन दोस्त अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा और ये हमारा ड्रास्टिक कंडीशन में रहेगा तो 100% कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब हो गया दोस्त, जब प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तो वह हमारा ड्रास्टिक कंडीशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो यहां पर दोस्त किसी तरह का भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इसके पीछे वजह है दोस्त ड्यू टू absence of अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की कमी होने की वजह से 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है। अब देखिए दोस्त, 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर CH3,
कार्बन के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के पास जीरो हाइड्रोजन है, तो जीरो हाइड्रोजन होने की वजह से उसको ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन देखिए दोस्त, 3 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में, अगर प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा ले और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ले तो 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन हो के अल्किन बनता है, फिर अल्किन का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं और ऑक्सीडेशन करने के बाद हम लोग को दोस्त एक इनोल नाम का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्त, 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया CH3, CH2, OH। तो ये हमारा दोस्त CH2OH है, तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का आज हम लोग ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया दोस्त ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दिए लेकिन एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक तरह का बल्कियर ग्रुप है, तो कार्बन का साइज छोटा है तो कार्बन अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ से एसिड और यहाँ से बेस को निकाल देते हैं। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड लिख दिए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये हमारा दोस्त एल्डिहाइड बन गया। फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे तो हाइड्रोजन के पास एक ऑक्सीजन जोड़ दिए, तो ये हमारा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आता है दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर OH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए दोस्त, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है तो 2 डिग्री अल्कोहल के पास जो हाइड्रोजन है वहां पर ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ये हमारा OH बन गया। अब एक कार्बन पर दो बल्कियर ग्रुप आ गया है तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से एसिड और यहाँ से बेस निकल गया और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। अब CH3 था तो सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिए और ऑक्सीजन कार्बन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, तो इस तरह हमारे दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन गया। अब अगर देखिए दोस्त, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब वह ड्रास्टिक कंडीशन में होगा, मतलब प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा लेंगे और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लेंगे, तभी कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह हमारे दोस्त ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल फुल HD में खत्म हुआ। तो दोस्त अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।